The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। मैं प्रीत सैनी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी में आ रही हर मुश्किल का सामना करने के लिए हम देते हैं आपको सही सुझाव। कैसे? द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम के जरिए प्रोफेसर गुरुदीप अरोड़ा जी के साथ। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबरों पर आपको फोन करके अपॉइंटमेंट लेनी है और प्रोफेसर साहब से बात करके अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करनी है। आज भी प्रोफेसर गुरुदीप अरोड़ा जी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आपके रूबरू हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी आपके अपने प्रोग्राम में द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार प्रोफेसर साहब। जैसे कि कई कॉल्स आती हैं हमें, आपको भी आती होंगी, बहुत से लोग हमें ये बोलते हैं कि यार ज्योतिष वोतिष के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, ये सब हमें लगता है कि ठगने के ही तरीके हैं। और एक्चुअल ये चीज़ बहुत सी जगहों पे सही भी साबित होती है, क्योंकि इतने लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं इस चीज़ की कि लोगों का विश्वास उठ चुका है इस चीज़ से कि ज्योतिष नाम की कोई चीज़ है भी। अगर सपोज कर लीजिए कि मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ ज्योतिष पर, मैं आपके पास आ गया, तो आप कैसे विश्वास दिलाएंगे मुझे? पहली बात तो वो आता ही नहीं जो विश्वास नहीं करता जी। अगर कोई इंसान परीक्षा लेने के लिए मेरे पास आता है तो डेट ऑफ बर्थ तो टाइम सही बताएगा ही, क्योंकि परीक्षा लेनी होती है जी। हमें तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ टाइम मेरे सामने आ जाए तो उसके बारे में ऐसे बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई भी कुंडली मेरे सामने आती है तो आपको जब तक मैं ये ना बताऊँ कि जब आप नहाते हो तो ऐसे नहाते हो, जब आप स्कूल में बैठते थे ऐसे जाते थे, तो मेरे पास अभी आए हो तो कैसे आए हो? जब मैं ये चीज़ें बताता हूँ वो बंदा शांत होकर सामने बैठ जाता है, सर अब आगे क्या करना है। यही चीज़ होनी चाहिए हर एस्ट्रोलॉजर में, यही चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी उंगली ना करे आपके सामने। हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें तो सिर्फ कुंडली से ही पता चल जाता है ये हमारे पास क्या करने आया है। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान और विज्ञान से ऊपर एक चीज़ और होती है, ब्रह्म ज्ञान, जिस चीज़ को हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कहते हैं कि बहुत से ग्रंथ पढ़ने के बाद, बहुत सा नॉलेज लेने के बाद ये ज्ञान हमें पैदा होता है, जो कि हमारे जो पुरख हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ग्रंथों में, पोथियों में डाला हुआ है। ऋषि मुनियों ने जिसके ऊपर तपस्या बहुत सालों तक की है उन्होंने पिरो कर रखा है। आज भी कुछ गुरुदीप अरोड़ा जैसे हैं प्रोफेसर्स जो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और वो ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एक सही मार्ग से, ताकि वो आपके एक सही मार्गदर्शक बन सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं सिर्फ, जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है, आपका राशिफल या डेट ऑफ बर्थ देख के काउंटिंग सी करके आपको बता देते हैं ये प्रॉब्लम हुई होगी, आपके घर में कलेश चल रहा होगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो जनरल सी चीज़ें होती हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में घटित होती रहती हैं और हमें लगता है कि शायद ये बंदा सही है, लेकिन वो बंदा जब धोखा दे जाता है या आपसे पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, फिर हमें लगता है यार ये इंसान गलत था, इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया आपके लिए द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिसमें आपको ज्ञान की गुणी बातें सही से समझाई जाएं, सटीक उपाय बताए जाएं, एक अच्छी तरह से ज्ञान के प्रत्यक्ष परमाणु के साथ, विज्ञान के प्रत्यक्ष परमाणु के साथ। आपने जैसे कहा कि आप यहाँ तक बता देते हो कि आप पैदा कब हुए थे और उसके बाद ज़िंदगी कैसे कटी, आप कैसे पढ़े, कैसे बैठते थे, कैसे आप सोते हो, कैसे नहाते हो, कैसे मेरे पास आए हो, मतलब हाउ कैन इट्स पॉसिबल? कोई अंधा इंसान ये बोले कि सूर्य है ही नहीं, उसको क्या सबूत दोगे, क्या उसको बताओगे कि सूर्य है? कोई है सबूत आपके पास? ये तो वही बताएगा ना जो सूर्य को रोज देखता है और उसको नमन करता है, ये तो वही बता सकेगा जो उसकी रोशनी लेता है और दूसरों को देता है। ये ज्ञान भी एक सूर्य की तरह होता है कि जो ज्ञान आपके भीतर है अगर दूसरों को दोगे नहीं तो वो ज्ञान आपका ज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान बन के रह जाएगा। इसलिए जो मैं इकट्ठा करता हूँ आप सबको बताने के लिए, इन्होंने पूछा आप ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही होता है। जैसे कि आप अभी से अपनी कुंडलियाँ खोलिए, अगर नहीं कुंडलियाँ खोली तो छोड़ दीजिए कुंडलियाँ, चलो ये तो पता होगा कि आपका कब का जन्म है,
जिसका सुबह का जन्म है वो बंदे अपनी मर्जी करते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते, किसी के नीचे लग के काम ही नहीं करेंगे। जिसका दोपहर का जन्म होता है उसके खानदान में कोई ना कोई सरकारी जॉब करता है, और वो भी खुद सरकारी जॉब करता होगा या जॉब करता होगा प्राइवेट, कभी बिजनेस नहीं कर पाता। और जिसका शाम का जन्म होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है, वो कभी भी सुबह सुबह उठेंगे तो उसका दिन खराब जाएगा। अब मैंने कुंडली तो नहीं देखी आपके, देखिए कीजिए तो पता चलेगा। यही है हमारी ज्योतिष, यही है विद्या, यही है हमारा ज्ञान। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, आप भी सोच रहे होंगे कि आज टॉपिक एक्चुअली हमारा क्या है। टॉपिक यही है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत सी कॉल्स ऐसी आती हैं, बहुत सी बहनें हमें ऐसी कॉल्स करती हैं कि हमारे घर वाले विश्वास नहीं करते कि ज्योतिष नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि अगर विश्वास किया भी था या पंडितों के चक्कर में पड़ के हमने उपाय किए भी थे तो वो सरल नहीं रहे, सटीक नहीं रहे, हमें उसका कुछ फल नहीं मिला। तो हम उसी चीज़ को प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने बहुत पहले, कई वर्ष पहले जब मुझे ये मिले थे तब इन्होंने कहा था कि प्रीत जब भी मैं एक अच्छी जगह पे पहुंचा, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा, मैं कभी अपने साथ पंडित लगाना पसंद नहीं करूंगा। मैंने पूछा था क्यों पंडित लगाना पसंद नहीं करेंगे, कहते क्योंकि ये ज्ञान है, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान है, और लोगों को पंडित के साथ जोड़कर अगर ये ज्ञान मैं दूंगा कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर ये शंका आ जाएगी कि ये पंडित इसने लगा रखा है तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई ढोंगी ना हो, इसीलिए मैं पढ़ाई करूंगा पूरी PhD वगैरह कंप्लीट करके अपने साथ एक ऐसा ज्ञान लेकर लोगों में बांटना शुरू करूंगा ताकि लोगों को इसके ऊपर विश्वास हो कि वाकई ही एस्ट्रोलॉजी नाम का एक ज्ञान है, एक ऐसा भंडार है जिसके अंदर अगर आप घुसने की कोशिश करो तो आपको अपनी ज़िंदगी शीशे की तरह साफ नज़र आएगी, क्या घटित हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा। और जो लोग विश्वास नहीं करते इस चीज़ के ऊपर, उन्हीं के लिए ये आज का शो है कि वाकई में ही एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज़ है ही या नहीं है। तो आपने जैसे बताया कि आपने इतनी स्टडी की है, इतनी पढ़ाई की है, मुझे याद है 10-15 साल पहले जब मैं आपको मिला था तब आपने मुझे ये बात बोली थी कि मैं पंडित, शायद मेरे सामने आपको किसी ने पंडित करके बुलाया था तो आपने मना कर दिया था उनको कि मुझे कृपा करके आप पंडित मत बोलिए, क्योंकि पंडित जो जात का पंडित नहीं हूँ मैं, कर्म का पंडित हूँ। पहली बात तो मैं आपको सबको बता दूँ ये पंडित होता क्या है। हमारे जो पुराने पहले ऋषि मुनि थे वो जात पात को कैसे बांटते थे, जैसे कि कोई हाथ पैर से काम करता था उसे शूद्र बोला जाता था, जो जोड़ते थे, जो अनाज जमा करते थे और बाद में खाते थे उसे शूद्र बोला जाता था, और जो लड़ते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, जो जंग में जाते थे उसे क्षत्रिय बोला जाता था, और जो दिमाग की ज़्यादा वर्तो करते थे, जो दिन रात हिसाब किताब में लगे रहते थे उसको पंडित बोला जाता था, और जो कैलकुलेशन करते हैं, जो दिमाग की ज़्यादा वर्तो करते हैं उसे पंडित बोला जाता है, पंडित ब्राह्मण उसे बोला जाता था। आजकल हम क्या करते हैं, जो मंदिर में बैठता है तो उसको बोलते हैं ये पंडित जी है। अरे पंडित भाई वो भी पंडित हैं जो मनीम है, अरे वो भी पंडित हैं जो गणना करते हैं, ये सब पंडित ही हैं, हम उसे पंडित बोला करते हैं ऋषियों मुनियों ने। लेकिन आजकल पंडित का नाम बेचारे का बदनाम कर दिया है लोगों ने, जो मंदिर में बैठता है उसको भी पंडित बोलते हैं, जो आचार्य है, जो जो हम क्रिया कर्म करवाते हैं उसको भी पंडित बोलते हैं, और जो मंत्र पढ़ता है उसको भी पंडित बोलते हैं, जो कुंडली देखता है उसको भी पंडित बोला जाता है। वही चीज़ है ना, मुझे एक बात याद आ रही है कि कहते हैं कि एक जगह पे पास में एक जगह पे क्रिया कर्म होना था, एक जगह पे शादी के फेरे होने थे, लेकिन पंडित एक्सचेंज हो गए। इसीलिए लोगों को समझ नहीं है पंडित 5 तरह होते हैं भाई। पहले तो मैं आप सबको बता दूं, पंडित वही होता है जो हमारा, जो कहते हैं कर्म कांड का काम करता है, वो शुद्ध पंडित होता है, और जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा के अंश होते हैं, हमारे घर में जब हम ब्रह्म भोजन के लिए करवाते हैं, और जो आचार्य होते हैं वो क्रिया कर्म के लिए जब जाते हैं वो आचार्य होते हैं, वो पंडित नहीं होते। इसलिए अलग अलग ये सब भेद हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो पंडित नहीं होते भाई, वो कोई भी स्टडी कर सकता है, वो सिख कर सकता है, ईसाई कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, हिंदू कर सकता है, कोई भी स्टडी कर सकता है, ये कैलकुलेशन है हमारी एस्ट्रोलॉजर की। पंडित वगैरह तो आपको इन्होंने बता दिया कि कौन होते हैं पंडित, किस किस वेशभूषा में होते हैं, किस तरह से होते हैं पंडित, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कौन थे? एस्ट्रोलॉजर पहले के ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिन्होंने वेद लिखे थे, वो थे हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर, और आज के नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे सामने,
प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी, जिन्होंने बेशक वैसी वेशभूषा नहीं पहनी, वैसे नहीं है, क्योंकि समय के साथ हमेशा बदलना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है, क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। लेकिन ये ज्ञान जो इतना ज़्यादा हमारी किताबों में, हमारे ग्रंथों में इकट्ठा है, कहीं ना कहीं लोग आज उससे बेमुख हो रहे हैं और इसीलिए बीमारियों में घिर रहे हैं, इसीलिए और घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन लोगों को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं प्रोफेसर साहब, कि जो ये ज्ञान हमारे ग्रंथों में है, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, इसकी स्टडी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने 15 साल दिए इसको। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे ग्रंथों में जो जो लिखा हुआ है वो आज साइंस वहाँ तक पहुँच रही है। हालांकि आज से 500 साल पहले ही लिख दिया था, इतने ग्रह, इतने नक्षत्र, ये सूर्य, सूर्य से भी बड़ा सूर्य एक और है जो चक्कर काट रहा है। तो आज क्या कर रही है साइंस, वो ग्रंथ पढ़ पढ़ कर वहाँ तक पहुँच रही है। ये पहले से ही ऋषियों मुनियों ने बता दिया था, पहले से ही ग्रंथों में लिखा गया था। इसीलिए ये जो साइंस है ये बहुत पुरानी है, ये जो हमारी स्टडी है ये साइंस है, इसको आप पंडित नहीं बोल सकते। ये स्टडी आपके लिए थी, क्यों अलोप हो गई? क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं किया। आपको पता था, चलो मुझे ये बताइए, जो आपके पुराने घर थे, आज से 50 साल पीछे चले जाइए, हम घरों में क्या करते थे? मिट्टी का लेप करते थे। उसके पीछे क्या रीज़न था पता है आपको? मिट्टी जो होती है वो शुक्र होती है। जब भी हम छत के ऊपर मिट्टी का लेप करते थे गोहे के साथ, पता होगा आपको, तो क्या होता था, हमारे घर में खुशियां आती थी। कभी भी देखिए पिछले क्या करते थे, आज से 50 साल पहले मिट्टी के लेप किया करते थे दीवारों के ऊपर, मिट्टी के लेप किया करते थे छत के ऊपर, ताकि खुशियां हमारे घर में आए। जो हमारा आंगन था उसके ऊपर भी मिट्टी का लेप किया जाता था ताकि खुशियां आए। मिट्टी होती है शुक्र, शुक्र होती है हमारी स्त्री, शुक्र होती है हमारा मकान, व्हीकल, कोठी, ये सब शुक्र से तो आती है, शुक्र से ही तो सब कुछ होता है। तभी तो मिट्टी के लेप किए जाते थे। आप सबको पता है आप क्यों छोड़ दिए मिट्टी के लेप? अब तो सीमेंट के चलने लगे हैं, अब तो पत्थर लगाना शुरू कर दिया है। अरे भाई, पत्थर क्या होता है पता है आपको? पत्थर है शनिदेव, और पत्थर है तभी तो प्रॉब्लम आती है, तभी प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी के लेप करने ही हमने बंद कर दिए। अभी भी आज से 100 साल पीछे चले जाइए, जो जो हमारे बुजुर्ग करते थे वो करना शुरू कर दीजिए, अभी से सुख पाना शुरू कर दोगे, अभी से खुशी आनी शुरू हो जाएगी आपके घर में। मानो तो ज्ञान है, मानो तो अंधकार है, मानो तो दूध है, मानो तो पानी है, वही चीज़ होती है कि आपके मानने के ऊपर, आपके मन के ऊपर है कि आप अपने मन से क्या सोचते हो, कैसा क्या महसूस करते हो, क्या आपका विश्वास अटल है। जो बातें प्रोफेसर साहब ने आपको कही, अगर आपका विश्वास उन चीज़ों पे अटल अभी भी नहीं है, अभी भी लग रहा है कि प्रोफेसर साहब ने जो बातें बोली हैं उनमें शायद कहीं 1921 कुछ गड़बड़ आपको लग रही है, तो बहुत आसान है आपके लिए, स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबरों पे आप फ़ोन घुमा के डायरेक्टली प्रोफेसर साहब से बात कर सकते हैं। अगर मिलना चाहते हो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपके दिल के अंदर कोई भी किसी तरह का सवाल ना रहे, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान रखना आज की डेट के अंदर लोगों के लिए धंधा बन चुका है। ज्योतिष ज्ञान लोगों ने धंधा बना लिया है, लेकिन एक्चुअल ज्योतिष ज्ञान एक वो चीज़ है जो आपको एक सही राह दिखाता है। पहले राजे महाराजे जो होते थे वो राजपुरोहित रखा करते थे, जो कि राजे का पर डे का, एवरी डे का शेड्यूल करके देते थे कि इस पहर आपको ये करना है, इस पहर ये करना है, इस पहर वो करना है। वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ के साथ जुड़ा होता था, इसलिए राजों को पहले ही पता लग जाता था कि प्रजा के लिए मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, क्योंकि वो उपाय भी साथ ही साथ करते थे। बिल्कुल सही ब्रिजी, सभी राजाओं ने अपना पुरोहित रखा हुआ था, ताकि हमें जीत मिलनी है या हार मिलनी है, हमें क्या करना है, वो सब कुछ बता देते थे। क्योंकि वो पुरोहित का जो घर चलाते थे वो राजा चलाते थे, और पुरोहित राजा के लिए काम करता था। इसीलिए ये ज्योतिष अलोप होगी, क्योंकि राजाओं ने पब्लिक को देने ही नहीं दी। जितने भी पुरोहित अच्छे अच्छे थे वो राजाएं अपने पास रखते थे, इसीलिए पब्लिक के पास ये ज्योतिष पहुंची ही नहीं। और आज तो आपके घर में ज्योतिष है, आज तो हर घर घर में ज्योतिष है। आज देखिए आपका लग्न कौन सा है। चलो मान लीजिए आप नहीं मानते, तो ये तो पता होगा कि आपका लग्न कौन सा है। अगर कुंडली बनाइए तो एक नंबर लग्न आता है, तो जिद्दी हो आप, चलने फिरने के आदि हो, हमेशा चलते फिरते रहते हो, टिक के नहीं बैठते, क्योंकि मेष लग्न क्या है, भेड़ू, भेड़ू के जैसे हो आप, आपकी गर्दन लंबी होगी, आँखें कौन सी होगी, कहते हैं कबूतर जैसी आंखें, और गेंद की तरह गोल आपका जो सिर होता है, ऐसे होते हैं, मैं देख तो नहीं रहा, देखे कुंडली में अगर ऐसा योग है तो।
अगर मेष लग रहा है तो आप ऐसे हो। अरे कुंडली में हमें देखने की जरूरत है, हमारे पास कुंडली भेजिए, अगर आप चाहते हो हम कुंडली देख के बता देते हैं ये बंदा ऐसे है ऐसे है, ऐसे पड़ा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे हो रहा है इसके साथ। यही तो है विज्ञान, यही तो ज्ञान है। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई भी ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं प्रोफेसर साहब से, बात करना चाहते हैं अपने दिल की बात, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मसला आपका शेयर करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, या इनकी लिखी हुई किताब द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ मुहैया अपने तक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबरों पर कॉल करके आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब दो दिन दिल्ली होते हैं सोमवार और मंगलवार, और चार दिन लुधियाना में होते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा रश होता है इसलिए इन्होंने एक दिन दिल्ली का घटा दिया है, पहले तीन दिन दिल्ली और तीन दिन पंजाब में होते थे, अब चार दिन पंजाब में और दो दिन दिल्ली में होते हैं। आप दिल्ली मिलना चाहते हो दिल्ली हेड ऑफिस जा सकते हैं, और अगर पंजाब में मिलना चाहते हो लुधियाना में पंजाब हेड ऑफिस है, वहाँ पर आप जाके इनको मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट। लेकिन पहले कृपा करके फिक्स करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको वेटिंग लाइन में बैठना पड़ सकता है, और हो सकता है कि उस दिन आपको प्रोफेसर साहब समय ना दे पाएँ, क्योंकि बहुत बड़ी फेयर लिस्ट होती है प्रोफेसर साहब के पास लोगों की, जिनको उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देना होता है, बताना होता है, बहुत से उपाय करने होते हैं, उनको समझाना होता है, और जैसे ज्ञान अभी आपको बांट रहे हैं वैसा ज्ञान उनको बांटना होता है, उनको देना होता है। प्रोफेसर साहब जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले राजपुरोहित रखे हुए थे लोगों, पहले राजपुरोहित रखे हुए थे राजाओं ने, और वो पर डे का शेड्यूल करते थे उनका कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या करना है। यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे ध्यान है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या सीरियल्स में पुराने में देखा है, तो राजपुरोहित सुबह उठने तक का समय उनका निश्चित कर देते थे कि इतने बजे सुबह आपने उठना है, इतने बजे आपने स्नान करना है, इतने बजे आपने ये वस्त्र धारण करने हैं और ये आभूषण पहनने हैं। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं। अगर आज की डेट में हमें हर इंसान को एक अच्छा राजपुरोहित मिल जाए, क्योंकि वो राजों वाले ठाट बाट तो हर किसी के नहीं है, एक अच्छा राजपुरोहित मिल जाए, लाइक आप जैसे हर चीज़ बयां कर देते हो, मतलब लोगों को घर बैठे बैठे एक अच्छा राजपुरोहित मिल जाए, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती कंवल जी, ये तो पहले जब राजपुरोहित हुआ करते थे तो पहले ये चीज़ें होती थी, तो कौन सा युग था? आज का युग देखिए, युगों की परिभाषा तो मैं बाद में दूंगा, पहले इनका आंसर दे दूँ। इन्होंने बोला कि आजकल संभव हो सकता है, अरे भाई आजकल समय किसके पास है? अरे नहीं, समय तो साल में एक दफ़ा ही आइए, साल में एक दफ़ा ही कुंडली दिखानी चाहिए सिर्फ, अगर महीने बाद नहीं दिखा सकते, रोज़ नहीं दिखा सकते, मिनट बाद नहीं दिखा सकते, तो साल में एक दफ़ा ही दिखाइए, साल में एक दफ़ा ही, वर्ष फल से ही पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा, जन्मदिन से पहले जरूर आइए ताकि पता चले आपके साथ क्या घटित होगा। तो अगर आप भी घर बैठे अपनी ज़िंदगी के आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला है, जिनके जन्मदिन पास में आ रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट लेके प्रोफेसर साहब से मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी के बारे में अगर हम आगाह हो जाएं, और ख़ास करके कोई ज्ञानी पुरुष हमें ये चीज़ का ज्ञान दे जिसने पूरी स्टडी की हुई है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न लुक के अंदर कोई महर्षि हमारे साथ बैठा है, तो वो है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। उनके साथ आप अगर वार्तालाप करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबर पर कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, जो आपको आपके आने वाले समय के बारे में ज़रूर बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इनकी बताई हुई बातें 100% शत प्रतिशत आपके लिए सही होंगी, क्योंकि आज तक जितने भी लोग इनको मिले हैं, जो ये शो देख रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, जो आगे मिलने जाएंगे भी इनको, वो भी जरूर सेटिस्फाइड होंगे इन सब चीज़ों से कि इन्होंने आज तक जो भी चीज़ें बताई हैं वो किसी ना किसी साइंटिफिक रीज़न के साथ अटैच करके बताई हैं। इन्होंने कोई जैसे पंडित बोल देते थे कि ये चीज़ इस वजह से हो गई, ये योग बनना था, ये योग इस चीज़ की वजह से बिगड़ गया, उसके पीछे क्या रीज़न था, साइंटिफिक क्या रीज़न था, कोई नहीं बताता। इन्होंने हर चीज़ किसी ना किसी टेक्नोलॉजी, किसी ना किसी साइंटिफिक रीज़न के साथ हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, ताकि हमें वो चीज़ अच्छे से समझ आए। और अगर आप और अच्छे से अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेके प्रोफेसर साहब को ज़रूर मिल सकते हैं, और अपने दिल की बातें इनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको अगर मैं पूछूं कि आप हमारे जितने व्यूवर्स हैं, जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप उनके राजपुरोहित बनना चाहें तो क्या आप एग्री हैं? अगर हमारे दर्शकों में से कोई आपको अपना राजपुरोहित बनाना चाहे, वेस्टर्न लुक में हमारा राजपुरोहित, ठीक है जी, आज की, क्योंकि समय के साथ कहते प्रकृति में परिवर्तन जरूरी होता है, तो वो परिवर्तन तो आया,
अब हम ऋषि मुनि उस भेष में तो मिलेंगे नहीं, आपको मैं वही बोलूंगा कि हमारे पास वेस्टर्न लुक के अंदर एक ऋषि बैठे हुए हैं जिनको बहुत ज्ञान है। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। वैसे मैं कहते हैं उनके चरणों की दूर भी नहीं, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ ज्ञान तो अभी बहुत दूर है हमसे, लेकिन ये बात जरूर है क्योंकि जो बहुत अच्छे अच्छे मेरा परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बने हुए हैं मेरे साथ, जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। अच्छा, मतलब हमारे जो भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। कुछ आपके प्रेमी हैं जो US और कनाडा में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और UK से भी कुछ कॉल आई हैं जो आपके साथ मतलब हमेशा संपर्क में रहते हैं। घर में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा घटित होता है, आपसे संपर्क साधते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, और जब भी कभी उनका सारा बायोडाटा मेरे लैपी में ऐड होता है, और जब भी कभी ग्रह प्रवेश होता है, जब भी कभी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसको कॉल बैक मैं खुद ही करता हूँ। जी, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत से दर्शक बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अगर वो उनके पास आपके पास विजिट करने का समय नहीं है, आपके पास आने का समय नहीं है, आपको मिल नहीं सकते हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं। हाँ, मेरा स्टाफ खुद कॉल करता है, कॉल बैक खुद जाती है जब भी कभी, जब वो मेरे साथ जुड़े होते हैं तब। जी, और जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपको अपना आज का राजपुरोहित बनाना चाहते हैं ताकि आप उनको उनके आने वाली ज़िंदगी के बारे में बता सकें, क्या मुश्किलें आने वाली हैं, कौन सी अच्छी चीज़ें घटित होने वाली हैं, अगर परेशानियां हैं तो कब दूर होने वाली हैं, तो वो आपके साथ संपर्क साध के अपना बायोडाटा ऑनलाइन भी आपको भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ जो भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी मेरे बहन भाई आज की डेट के अंदर इस माहौल में अपना एक राजपुरोहित रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जितने सुलझे हुए समझदार और सूझवान एस्ट्रोलॉजर हमें आज की डेट में मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जितना ज्ञान इनके पास है, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान, वो शायद ही किसी के पास पॉसिबल हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनके साथ जुड़ें, ये एवरी डे आपकी चीज़ें देखें, अपडेट करें, आपको खुद कॉल करें इनके स्टाफ मेंबर्स कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, अगर वो सब आपको डे बाय डे चाहिए तो आप इनके साथ बहुत इजीली जुड़ सकते हैं। बहुत आसान है, स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबरों पे आप इनको कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं और अपना बायोडाटा बता सकते हैं, और बहुत प्यार से ये आपको आपकी हर मुश्किल का सही सटीक जवाब देंगे और आपको आपकी मुश्किलों में से निकालेंगे। गुरदीप जी, आपने अपना कीमती समय आज फिर से हमारे दर्शकों के लिए निकाला और दर्शकों को खुश कर दिया ये कहकर कि आज भी उनको अपना राजपुरोहित मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप देना चाहेंगे? बहुत आसान टिप देता हूँ मैं आप सबको। आज का, जैसे कि ये बोलते हैं रामबाण, आज का रामबाण, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आप अपने कपड़ों के ऊपर कोई भी परफ्यूम स्प्रे कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। कहते हैं कि जैसी संगत हो वैसी रंगत, जैसी महक आपके शरीर में से आएगी आसपास वाले वैसे ही खुश होंगे कि वाओ व्हाट अ गुड स्मेल। ऐसे ही हम आपको हर बार किसी न किसी नए टॉपिक के साथ रूबरू करवाएंगे, हर बार किसी न किसी नई उलझन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा हमेशा तत्पर होते हैं आपको आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। सो आपने अपना कीमती समय आज फिर से निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। नमस्कार। सो दर्शकों, अब समय हो गया आप सबसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते मैं आपको यही करूँगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।